थाना पुलिस टीम ने नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक शातिर हत्या अधिनियम फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर कामटी न्यायालय से शनिवार को दोपहर में भादवी कलम 399 के फरार आरोपी शेख जाफर शेख मुजफ्फर को पकड़ने के लिए जूना कामटी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल आर शिरे, डीबी पथक के पुलिस उप निरीक्षक के माकड़े, पोहवा संजय गीते, नायब पुलिस सिपाही महेश कठाने, पुलिस सिपाही अंकुश गजभिये, प्रमोद शिल्के ने चितरंजन नगर दरगाह के पास पेट्रोलिंग करते समय उपरोक्त हत्या अधिनियम फरार आरोपी अब्दुल ताज अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किया। जूना कामटी पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल शिरे ने बताया कि शनिवार दोपहर में चितरंजन दरगाह के पास पेट्रोलिंग के दौरान एक शख्स घूम रहा था। टीम ने रुकने का इशारा किया पर पुलिसकर्मी को देखकर वह भागने लगा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा कर दबोच लिया। छानबीन में पता चला कि यह शख्स अब्दुल ताज अब्दुल अजीज भारतीय हत्या अधिनियम का फरार आरोपी है, जिसका मामला पांच बावली थाना में दर्ज है। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के पश्चात वैद्यकीय परीक्षण करवाकर नागपुर शहर डिटेक्शन यूनिट को आगे की कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया। उपरोक्त कार्रवाई परिमंडल क्रमांक 5 के पुलिस उपायुक्त सारंग अहवार, सहायक पुलिस उपायुक्त नयन अलूरकर के मार्गदर्शन में उपरोक्त अधिकारी व डीबी पथक ने घटना को अंजाम दिया। बाइट नवीन कामठी पुलिस स्टेशन ला गुना रजिस्टर्ड है 10/21 कलम 399-4/25 भारतीय हत्यार कायदा, त्या गुन्ह्यातील जो आरोपी आहे शेख जाफर वल्द शेख मुजफ्फर राणा रमानगर कामठी याची आज कोर्टात पेशी होती आणि त्याला गाठ पेशी करता कोर्टात माननीय न्यायालय कामठी इथे घेऊन आली होती। तर त्या ठिकाणी त्यांनी जे पोलीस कर्मचारी आहे त्यांच्या हाताला झटका मारून त्यांच्या ताब्यातून तो पळून गेला। त्याच्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशान्वये जुनी कामठी आणि नवीन कामठी पोलीस स्टेशनला त्याचा शोध घेण्याचे आदेश झाले आणि त्या कामासाठी टीम रवाना झाल्या होत्या। तर आमच्या इथले डीबीचे इन्चार्ज पोलीस उपनिरीक्षक श्री माकणे आणि डीबीमधले हवालदार गीते, पोलीस शिपाई अंकुश, एनपीचे महेश कटाणे आणि इतर काही लोक याच कामाने गादा आणि लेहगाव या परिसरात फिरत असताना त्यांना मोक्यामधला एक फरार आरोपी त्या भागात पेट्रोलिंग दरम्यान मिळून आला। तर तो जो मोक्याचा गुन्हा होता तो गुन्हा होता कलम 255/16 जो पाचपावली पोलीस स्टेशनला रजिस्टर्ड होता आणि त्याच्या तपासामध्ये नंतर त्या गुन्ह्याला मोका अट्रॅक्ट झाला होता आणि काही लोक आरोपींविरुद्ध चार्जशीट गेली होती। त्या गुन्ह्यातला फरार आरोपी होता ज्याचं नाव होतं अब्दुल ताज वल्द अब्दुल अजीज, हा चित्तरंजन नगर अब्दुल शाह बाबा दर्गाजवळ नवीन कामठी इथला राहणारा होता। तो आम्हाला दिसला, त्याला पाहताच तो मेन रोडने सोडून शेताने पळायला लागला। तर त्याच्यामुळे आमच्या इथल्या डीबीचे पथकाचे पोलीस शिपाई श्री अंकुश गजभिये हे त्याच्यामागं अक्षरशः पायदळ धावत गेले। 1-2 किलोमीटर त्याचा पिछा केला आणि त्याला शेतात चिखलामध्ये पाडून पकडलं त्याला आणि नंतर पुढील कारवाई करता पोलीस स्टेशनला हजर केलं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।